अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो घरेलू मशीन में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं मशीन के अंदर, जिसको कस्टमर जो नए नए चलाने वाले हैं सही नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं कि मशीन में फॉल्ट है, जिस वजह से वो बनवाने दुकान पे चले जाते हैं, उन्हीं के लिए ख़ास तौर पर है। जो लोग चला चुके हैं, जो लोग उसमें अभ्यस्त हैं मशीन चलाने में, उनको तो ये प्रॉब्लम का हल मालूम होता है, पर नए नए जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। ये चार प्रॉब्लम होती है जो यहाँ टेंशन से आती है और नीचे बॉबिंग केस की पत्ती से आती है। जैसे कि नीचे आप चलाते हैं मशीन और नीचे धागा ढीला ढीला आने लगता है, या नीचे कपड़े एकदम गुच्छे बना करके मशीन खींच लेती है, मशीन जाम हो जाती है। तो जब ऊपर से टेंशन ढीला जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम आती है। ऊपर से टेंशन अगर ज़्यादा टाइट रहेगा आप चलाएँगे तो धागा बहुत टाइट यहाँ से आएगा, जिस वजह से टाका टूट जाएगा चलाते वक्त, ये प्रॉब्लम आती है। और फिर नीचे बॉबिंग केस की जो पत्ती होती है अगर वो ज़्यादा ढीली चलेगी, जिस वजह से धागे अगर नीचे से ढीले ढीले आते हैं, तो जो टाके ऊपर के होते हैं ना वो उसमें थोड़ा थोड़ा दाना दाना नज़र आता है। और चौथा ये चीज़ कि जब हम लोग मशीन चलाते हैं कपड़े सीधे ना भाग करके वो ऐसे ऐसे सिकोड़ने लगते हैं कपड़े। तो ये चार चीज़ों पर ही हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगा। हम लोग के साथ मनोज जी हैं जो हम लोग की मदद करेंगे इस काम में। तो मनोज जी, पहले मशीन को सही चला के दिखा देते हैं हम लोग। देखिए, आपका सिलाई स्टिचिंग बहुत बढ़िया हो रहा है इस समय। जी हाँ, ठीक है। जैसे अगर हम मशीन एकदम सही आपकी सेट मशीन है तो आप देखेंगे कि टाके ऊपर के भी ठीक ठाक लगेंगे, आपको नज़र आएंगे साफ साफ, और जो टाके नीचे के होंगे ये नीचे के भी पूरे धागे एकदम सही सही आएंगे। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे ख़राब आना, जैसे मान लीजिए नीचे चला रहे हैं आपको गुच्छा गुच्छा आ रहा है, या नीचे दाना दे रहा है, जी तो यहाँ से प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए घर में बच्चे ही हैं, घुमा दिए खिलवाड़ में, जी हाँ, तो ये चीज़ ढीला हो गया यहाँ से, मान लीजिए बच्चे घुमा दिए। जी हाँ, एक मिनट मनोज जी, एक मिनट। एक तो जैसा मनोज जी बताया कि यहाँ से धागा ढीला जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है, या कभी कभी कस्टमर नए नए चलाने वाले होते हैं वो धागा इसमें डालते हैं जब, तो इसके अंदर पूरे थाली के अंदर नहीं डालते हैं बल्कि वो थोड़ा सा बाहर रह जाता है, या मशीन पुरानी आपकी ज़्यादा हो गई है तो जिस वजह से ये धागे जो चलते चलते इसमें के गर्दे होते हैं इसमें भर जाते हैं। तो ये जब धागे भर जाएंगे ना तो इसमें गैप बन जाता है। अब धागा अंदर से गुजरेगा भी तो ये जो कचरे अंदर भरे रहेंगे, अब आप कितना भी टाइट करेंगे यहाँ से ना वो धागे टाइट होंगे ही नहीं, तो वो कचरे की वजह से, तो इसको आप ऐसे खींच करके फूंक देंगे साफ़ हो जाएगा यहाँ से। या आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा ऐसे खींच के यहाँ से चेक कर लेते हैं कि धागा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ठीक है मनोज जी, ये तीन वजह से आपके धागे, जो जब भी धागे ऊपर से ढीले आएंगे वो फॉल्ट नीचे से आएगा आपका। नीचे आप मशीन जब चलाएंगे तो नीचे से थोड़ा ढीला ढीला, देखिए खच 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 एकदम ख़राब सी आवाज़ आने लगेगी। आवाज़ लाइए पहले, ये हो गया, पहले इसको दिखा दें। हाँ, अब देखिए ये यहाँ पे घुमा के घुमा दे, देखेंगे ना ये। जी हाँ, फिर से एक बार चला दीजिए, ऊपर इतना ज़्यादा ढीला था कि वो धागा टूट गया वहाँ से आपका चलते चलते। अच्छा, यहाँ फंस गया है, ठीक, इसको सही करके। मशीन अगर एक बार आप टेस्ट करा के दुकान से ले लेंगे तो फिर वो मशीन चलती ही रहती है। सिलाई मशीन में ऐसा कोई बात नहीं है कि दुकान पे चलेगी, आपके घर पे जाके नहीं चलेगी। एक बार चेक हो करके आपने मशीन ले लिया तो सालों साल चलती रहती है, जब तक उसमें कोई गलती ना हो जाए। चलिए इसी पे चला देते हैं। जी हाँ, रोक लो, देखिए थोड़ा यहाँ से ढीला ढीला होने लगा आपका। ये थोड़ा सा और ज़्यादा ढीला अगर यहाँ से होगा, रोक लीजिए, तो देखिए अब ये और ढीला ढीला होने लगेगा। नई मशीन में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हर चीज़ एकदम सही रहती है। वो पुरानी जब होती है तो जो जो वजह मैंने बताया उन वजहों से ये आपका ऐसे नीचे नीचे ढीला आने लगेगा, या बहुत ज़्यादा ढीला होगा तो एकदम गुच्छा बना लेगा आपका। अभी ये एकदम न्यू मशीन है, इसमें कोई कमी नहीं आ सकती है।
लेकिन अब ये पुरानी हो गई तो सब कमी आने लगेंगी। कई बार तो इसमें सबसे दिक्कत क्या हो जाती है कि हाँ चला इस बस हाँ देखिए ये देखिए अब ज़्यादा ढीला हो गया तो अब देखिए और बुरा मशीन जाम होने लगेगी, पूरी आवाज़ खचखच खचखच करके देखिए ये पूरा ऐसे आ जाएगा। पुरानी मशीन में ये आपको प्रॉब्लम होगा। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो जाता है ना कि जैसे नया है तो इसकी स्प्रिंग एकदम टाइट है, अभी ये ढीला हम लोग कितना भी करेंगे तो भी वो पकड़े रहेगा, लेकिन जब ये पुरानी हो जाएगी इसकी स्प्रिंग यहाँ से ढीली हो जाएगी तो ये सब फॉल्ट और ज़्यादा आने लगेंगे, तो आपको थोड़ा टेंशन और ज़्यादा टाइट करना पड़ता है यहाँ से। तो चलिए ये पहला फॉल्ट आपको हम लोग ने बताया, वो कोई फॉल्ट नहीं है बल्कि वो एडजस्टमेंट है जिसको आप सही करेंगे। अब इसको यहाँ से सही किया जा रहा है हम लोग। ठीक, अब यहाँ से ये धागा टाइट कर लीजिए। जी हाँ, हमने टाइट भी कर दिया था। अभी टाइट करेंगे तो आवाज़ तक चेंज हो जाएगा इसका, सिलाई आवाज़ ही बदल जाएगा। जी हाँ, खच 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 कर रहा था। ये आपका धागा आ गया इधर से एकदम, यहाँ खराब एकदम गुच्छा आ रहा था। जी हाँ, अब यहाँ से जब हमने टाइट किया तो ये धागा एकदम बैठा बैठा एकदम फर्स्ट क्लास का धागा आ रहा है। जी हाँ, इसमें अब कोई काट नहीं सकता है सिलाई का। जी हाँ, ये आपका टाके एकदम बैठ जाएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं कर देना, अगर इसको आप बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो पट से धागा तोड़ देगा वहाँ से देगा, उसके बाद चूनट बना लेगा, खींच लेगा कपड़ा जैसे रहेगा पतला। अच्छा अच्छा, खींच लेगा। अच्छा, ज़्यादा टाइट होने पे टाइट भी करके दिखा देना कैसे होता ही है। जी हाँ, ये देखिए धीरे धीरे आपका चूनट टाइप का आने लगा। ये सिलाई सिलाई का मतलब ये होता है ना, चूनट आए फ्रेश कपड़ा चले एकदम सीधा। जी हाँ हाँ, देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा सिकोड़ने लगा आपका। अब यही चीज़ आउट थोड़ा सा टाइट हो जाएगा धागा, यहाँ से मान लीजिए टाइट हो गया हाँ, तो धागा टूट जाएगा पट से जाएगा, आउट खींचने लगेगा आपका। जी हाँ जी हाँ, सही बात, वो खींचना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ ठीक, अब इसको हमको सही करना है तो यहाँ से थोड़ा सा ढीला कर दीजिए। जी हाँ, वो सिर्फ एडजस्टमेंट, आप उसको फॉल्ट में एकदम ना समझे, वो सिर्फ एडजस्टमेंट है जो आपको अपने हाथों से एडजस्ट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक चीज है। क्या होता है सुई का नोखा भी खराब रहता है, इससे भी आपका सिलाई एकदम खराब आने लगेगा। अच्छा, चूनट टाइप का जैसे सुई का नोखा मुड़ा है नीचे का। जी हाँ जी हाँ, कपड़े पे जब जाएगा तो कपड़ा एकदम नीचे से खींच लेगा। जी हाँ जी हाँ, खींच लेगा, जिसे इसका कपड़े का रेसा होता है जिससे बनता है कपड़ा। जी हाँ, इसी में जाके फंस के खींच लेगा तो जायज बात एकदम लुड़ी आ जाएगा। जी हाँ जी हाँ, पॉइंटेड अगर नीडल नहीं है, नीडल का थोड़ा पॉइंट खराब भी हो जाएगा तो भी फॉल्ट आएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको गौर करनी है, बाकी तो मशीन आपकी फर्स्ट क्लास चलती है। नीचे दाना दे रहा है। जी हाँ, ये आपका और मांग रहा है धागा थोड़ा सा ढीला होना। जी हाँ जी हाँ, धागा ढीला होगा तो एकदम फर्स्ट क्लास आ जाएगा। जी हाँ, अब जैसे हमने थोड़ा सा और ढीला किया, ढीला करने के बाद इस साइड चला रहे हैं, ज़्यादा ढीला। अब ये देखिए जब यहाँ से ये ढीला किए हैं तो यहाँ तक आपका सिलाई एकदम सही आया। जी हाँ जी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज नीचे का ऊपर के नीचे का दाना आता है तो नीचे का थोड़ा सा बॉबिन केस का पत्ती जो होता है। जी हाँ, हाँ हम लोग बॉबिन केस की पत्ती पे आ जाते हैं। चलिए बॉबिन केस की पत्ती से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पत्ती है। जी हाँ, अब जैसे यहाँ पर ये अब धागा चलाने इसके अंदर रेसा भर गया तो ऑटोमेटिक ये धागा हो जाएगा आपका ढीला। जब ढीला हो जाएगा तो मशीन सही नहीं चलेगा। जी हाँ, ऊपर जब सिलाई करेंगे तो दाना दाना आएगा, जैसे ये सिलाई है दाना दाना आपका देख रही है ना। जी हाँ, तो यहाँ से कुछ मत करिए, पहले ये पत्ती इसे डाल के कोई चीज़ से मुंह से फूंक दीजिए, गर्दा गर्दा निकल गया, गर्दा निकल जाएगा फिर अपने जहाँ पर एडजस्टिंग रेडी हो जाएगा। इसमें कोई इसमें भी वैसे ही जैसे हम लोगों ने अभी बताया, ऊपर टेंशन में ढीला टेंशन ढीला हो जाता है गर्दे के रेशों भर भर के, उसी तरह ये भी पत्ती के बीच में चूँकि धागा गुजरता है तो इसके जो रेशे होते हैं ना इसमें भर जाते हैं, तो ये भी थोड़ी सी पत्ती उड़ जाती है, जिस वजह से ये धागे इसमें से ढीले ही पास होने लगेंगे। धागा इसमें से मीडियम जाना चाहिए, बहुत ना टाइट ना बहुत ढीला। तो जैसे मनोज जी बताया उसको आप साफ़ कर लें, उसको भी फूक करके उसके बाद फिर इसी तरह लगा के आप सिलाई करिए कोई भी। अच्छा, धागा भी जब बदले जाते हैं, जैसे पतले धागे चल रहे हैं तो उसका मशीन सही चल रही है, अब आपने मोटा धागा उसमें लगा दिया मान लीजिए तो वो अपने आप पत्ती टाइट हो जाएगी, तो उसको भी आपको देखना है, ना ढीला ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट। अभी हम लोग क्या किए, इसको पत्ती ढीला कर दिए। हाँ, पत्ती ढीला कर दिया गया हम लोग। जी हाँ, हम लोग पत्ती ढीला किए हैं, देखते हैं उसको चला के। जब भी कपड़े के नीचे ढीले ढीले आएंगे तो आपको ऊपर टेंशन से मिलाना है। कपड़े अगर सिकोड़ ले रहे हैं तो टेंशन ज़्यादा टाइट है, उसको थोड़ा सा ढीला कर लें। और अगर कपड़ा आप सिल रहे हैं और धागा ऊपर से अगर दाना दाना आ रहा है, ऊपर का टाके में अगर दाना दाना आएगा तो आपको फिर बॉबिंग केस की पत्ती से एडजस्ट करना है। बॉबिंग केस की जो पत्ती होती है वो आपको थोड़ा सा टाइट कर देना है उस कंडीशन में, बाकी जब सही चल रहा है तो कुछ भी ढीला टाइट ना करिए, सब एडजस्ट है।
ये देखिए जैसे दाना दाना आने लगा आपका सिलाई जी हाँ, यही थोड़ा सा और ढीला रहेगा बाबिन केस का पत्ती तो और ज़्यादा आने लगेगा, थोड़ा सा और ढीला कर दिया तभी नहीं समझ पाएंगे कस्टमर कपड़ा कोई और सफ़ेद रंग का मामला बहुत सिलाई होगी। ए बबलू भाई कोई कपड़ा आओ दो करना है। हाँ सफ़ेद दे दीजिए कोई है नहीं तो इसी में थोड़ा साइड करके चला दीजिए, इसी में इस साइड चला दीजिए अब बॉबिंग केस की हम लोग पत्ती ढीली कर रहे हैं क्योंकि नई मशीन है ना तो इसमें फॉल्ट ज़बरदस्ती भी निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर चीज़ एकदम परफेक्ट है तो उसको आपको हर चीज़ फिर ढीला करना होगा और ये सब फॉल्ट जब थोड़ा मशीनें चल जाती हैं थोड़े दिन तो सब चीज़ आने लगती है। तो हम लोग अब आपको बॉबिंग केस की पत्ती ढीली कर दिए हैं, ढीली करके चला रहे हैं। मशीनों में साउंड में बदलाव हो जाएगा जहाँ आप ना गलती कहीं भी कुछ हो गया, देखिए ये टाके एकदम फिनिशिंग के साथ आपके नहीं दिखेंगे आपको सब में, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ सुई के छेद हैं वहाँ पे कपड़े वो धागे जो है ना थोड़े थोड़े ढीले ढीले आपको दिखेंगे। कैमरे में भले आपको इतना ना नज़र आए लेकिन जब आप अपनी आँखों से देखेंगे तो ये सब चीज़ जो है ना यहाँ पर ये धागे ढीले ढीले हैं, ये देखिए इसमें ना ये सब ढीले ढीले हैं धागे, ये यहाँ पे ये समझ जाइए जब यहाँ से ये धागा ढीला रहेगा तो जब यहाँ से ये धागा पकड़ के खींचेंगे अच्छा अच्छा ये आपका धागा खुलता हुआ चला जाएगा। हाँ ये बात है, ये इसकी पहचान है। अगर देखिए आपको भले कैमरे में ना नजर आए तो ये सही बात है, जब ढीला रहेगा तो जहाँ ऐसे आप धागे पकड़ कर रहे हैं देखिए ये एकदम सिकोड़ जा रहा है और फिर देखिए ये कर रहे हैं ये अपने जगह आ जा रहा है तो ये आपका अच्छी फिनिशिंग नहीं है इसमें, ये ऊपर दाने 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 नज़र आएंगे आपको देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। कपड़ा भी चूड़ा टाइप का जी हाँ, कपड़ा भी थोड़ा ढीला ढीला एकदम चूड़ा टाइप का है। ठीक है मनोज जी, तो इसकी बॉबिंग केस की पत्ती टाइट कर दीजिए। तो तीन चूड़ी आप अपने हिसाब से टाइट कर लीजिए, लगा के फिर से चेक करिए, अगर आ जाता है एकदम सही सही तो ओके है और नहीं एडजस्ट हुआ तो फिर एक दो चूड़ी और टाइट करके देख लीजिए, चलाते चलाते अंदाज हो जाता है फिर वो, आप खाली जहाँ अपने हाथों से खींच के अंदाज लेंगे वो खुद ही आप एकदम एक बार में सेट कर लेंगे। सब दिक्कतें उनके लिए जो शुरुआत में मशीन चलाते हैं, जो कभी चलाए नहीं हुए हैं, तो शुरुआती दौर में ये सब दिक्कतें आती हैं। नीचे बॉबिंग केस की पत्ती एकदम सही आएगी तो मशीन की आवाज़ में कहीं से खचखच पना नहीं नज़र आपको आएगा, जब भी चलाएंगे तो कपड़ा एकदम सीधा चलेगा, एक बराबर सिलाई आएगा जी हाँ, एकदम फिनिशिंग है तो इसको खचखच खचखच करके आवाज़ समझ में आपको आएगी। अब इसमें आपका धागा एकदम बैठा हुआ रहेगा, अब यही चीज़ नीचे भी दिखे, नीचे भी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा जी हाँ, धागा नीचे से भी बैठा रहेगा, कहीं से कोई दाना आपको नहीं दिखेगा। ये अभी हम लोग सही चलाए हुए हैं, ये पुराना वाला है, ये एकदम सही बैठा हुआ नीचे से आएगा और ऐसा ही एकदम सही ऊपर भी बैठा हुआ टाका नज़र आपको आएगा। इसको यहाँ से खींच के जैसे धागा दिखा दीजिए, अब ये खींचेंगे तो यहाँ से खिंचाएगा नहीं टूट जाएगा धागा। हाँ देखिए ये बहुत बड़ा फ़र्क आपको समझ में आएगा। अब वो जहाँ वहाँ से पकड़ के अगर आपका बॉबिंग केस की पत्ती ढीली नहीं है सही है तो आप जैसे हम लोगों ने खींचा था तो पूरे कपड़े अंदर तक चले गए थे, इसमें आप ऐसे खींचेंगे तो यहीं से धागा टूट जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो आपको भले कैमरे में नज़र नहीं आएगा लेकिन आप जब सामने से उस चीज़ को करेंगे देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। आप लोगों को इतना तो जानकारी दे दिया गया है कि ये चार फॉल्ट होने पे उस चीज़ को आप खुद अपने हाथों से सही कर लेंगे, इसमें आपको किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, शुक्रिया आप लोगों को देखने के लिए।